अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको पेमेंट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया था, और उसके भी पहले रिसीट वाउचर वाली वीडियो में हमने आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के तरीके को सरल और विस्तृत रूप में समझाया था। इसके अलावा उसमें हमने टैली के कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस का भी उपयोग किया था। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि यही तरीका सभी वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझने के लिए उन वीडियोस को जरूर देखें। और एक बात ध्यान रखें, आपको सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। आइए अब पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर को समझ लेते हैं। जब कैश अकाउंट से पैटी कैश, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट, या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया जाता है तो उनके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमने कॉन्ट्रा वाउचर में जो ट्रांसफर बताए हैं उनमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही हमारे हैं, इसमें बाहर की कोई पार्टी सम्मिलित नहीं है। यानी कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ वे ट्रांजैक्शंस आते हैं जिनमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस वाउचर का उपयोग पैसा एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है। ट्रांजैक्शन पहचानने वाली वीडियो में हमने कॉन्ट्रा वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शंस छांट लिए थे, उन्हें यहाँ पर हम फिर से बताएंगे और उनके आधार पर कॉन्ट्रा वाउचर में काम करेंगे। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, 2 अप्रैल को हमने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा किए। पहला सवाल ये कि इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं? ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें। यहाँ बैंक में नकद रुपए जमा किए हैं यानी कैश गया है, तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, कैश कहाँ गया है या किसे दिया है, तो कैश बैंक में जमा किया गया है यानी दूसरा खाता हुआ बैंक का। दूसरा सवाल ये कि ये खाते किस प्रकार के हैं, तो नकदी यानी कैश का खाता रियल अकाउंट है और बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट। अब तीसरा सवाल, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, तो बैंक में हमने रुपए जमा किए हैं या कह सकते हैं कि बैंक को रुपए दिए हैं, तो बैंक हुआ पाने वाला। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के लिए नियम है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, मतलब यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरे खाते को जो कैश का है, ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट्स के लिए नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब यहाँ पर जो चीज गई है वो है नकदी यानी कैश, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ हमने टैली में अपनी कंपनी ओपन कर ली है, अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ हमें ट्रांजैक्शंस हेडिंग के अंतर्गत वाउचर्स में जाना होगा और उसके लिए कीबोर्ड पर V प्रेस करें। देखिए राइट बटन बार में सभी वाउचर्स के नाम और उनके आगे उनके शॉर्टकट्स दिखाई पड़ रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 की प्रेस करें। ये देखिए, ऐसा करते ही कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि जिस तारीख में कोई ट्रांजैक्शन होता है टैली में उसी तारीख में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो 2 अप्रैल का है, तो हम F2 की प्रेस करके यहाँ पर 2 अप्रैल टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे।
एंटरप्राइज करते ही हम पर्टिकुलर्स में आ गए हैं, जिसमें CR यानी क्रेडिट दिखाई पड़ रहा है। साथ ही राइट साइड में एक लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स दिखाई पड़ रही है। इस लिस्ट में महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सिर्फ वे ही लेजर्स दिखाई पड़ते हैं जो बैंक और कैश से संबंधित होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर में इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होते हैं केवल वही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। क्रेडिट में हम कैश अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही कैश अकाउंट में जो बैलेंस है वो दिखाई पड़ रहा है। इसे हम अलग से भी लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ हमें अमाउंट में 20,000 रुपए टाइप करना है, पर अभी हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, इसलिए 20,000 की जगह पर हम 1,20,000 टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा करते ही नीचे नेगेटिव कैश की वार्निंग आ रही है और जितना कैश कम है उसका अमाउंट भी लिखा हुआ आ रहा है। ध्यान दें, हमारे पास जो कैश अकाउंट का बैलेंस है और ट्रांजेक्शन में हम जो अमाउंट रिकॉर्ड करने जा रहे थे, ये उन दोनों का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपकी बुक्स में इतना कैश और होना चाहिए। यदि आप इसे अनदेखा करके आगे बढ़ने के लिए एंटरप्राइज करते हैं तो देखिए, ये बैलेंस जितना कम है वो यहाँ भी लाल रंग में लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यदि आप इस तरह की वार्निंग के बाद भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की प्रोसेस वैसी ही रहेगी जैसी हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यदि आप चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय नेगेटिव बैलेंस होने के बाद भी नेगेटिव कैश की वार्निंग ना आए, तो उसके लिए आपको F12 की प्रेस करके वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस इस ऑप्शन को नो करना होगा और उसके बाद विंडो को एक्सेप्ट करना होगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए एस्केप की प्रेस करके वापस पहली वाली स्क्रीन पर चलते हैं। हमें 1,20,000 के स्थान पर 20,000 ही चाहिए, उसके लिए बैक स्पेस की प्रेस करें, यहाँ पर अमाउंट चेंज कर दें, अब एंटर प्रेस करें। ये देखिए, अब कर्सर DR यानी डेबिट पर आ गया है। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। यहाँ हमें बैंक अकाउंट यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करना है, तो उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऐसा करते ही जो राशि क्रेडिट में लिखी हुई थी वही राशि डेबिट में भी आ गई है। एंटर प्रेस करें। बैंक एलोकेशन विंडो आएगी, यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसलिए हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही कैश डिनोमिनेशन विंडो आएगी। यदि आप जिस तरह के नोट्स बैंक में जमा कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो डिटेल्स भरते हुए आगे बढ़ें, और यदि आप रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। हम वापस कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ नरेशन में बीइंग बैंक अकाउंट ओपन्ड इन SBI विद ₹20,000 कैश टाइप करके हम इस वाउचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन। 31 मई को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक द्वारा 5,000 रुपए नकद निकाले। पहला सवाल ये है कि इस ट्रांजेक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं? ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखें। यहाँ पर चेक के माध्यम से बैंक से रुपए निकाले गए हैं, तो बैंक हुआ पहला खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं। बैंक से नकदी निकाली गई, इसलिए दूसरा खाता हुआ कैश का। अब आता है दूसरा सवाल कि खाते किस प्रकार के हैं। बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट है और नकदी यानी कैश का खाता रियल अकाउंट है। चलिए अब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में देख लेते हैं। ये देखिए, बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, नकदी का खाता देख लेते हैं। ये देखिए, नकदी का खाता रियल अकाउंट है। यहाँ हमने दोनों खातों को कन्फर्म कर लिया है। अब आता है तीसरा सवाल कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट्स के लिए नियम है क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्रेडिट करो। अब यहाँ हमने बैंक से रुपए निकाले, यानी बैंक ने हमें रुपए दिए हैं, तो देने वाला हुआ बैंक। इसका मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखते हैं दूसरा खाता जो कैश का है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और रियल अकाउंट्स के लिए नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन,
यानी जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। यहाँ पर हमारे पास कैश आया है, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। आइए अब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स से भी इसे कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस ट्रांजैक्शन का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने बैंक से रुपया निकाला मतलब बैंक का बैलेंस कम होगा, और हमारे पास कैश आया है मतलब कैश अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। आइए हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पर चलते हैं। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट एसेट्स में आता है और उसके लिए नियम है यदि बैलेंस डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करो। अब कैश अकाउंट देख लेते हैं, ये भी असेट्स में आता है पर इसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और असेट्स में इंक्रीज के लिए नियम है उस खाते को डेबिट करो। यानी ये कंफर्म हो गया कि हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की सहायता से जो निर्णय लिया था वो सही है। आइए अब टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी हमारे सामने कॉन्ट्रा वाउचर खुला हुआ है। सबसे पहले यहाँ F2 की प्रेस करके वो तारीख डालें जिस तारीख में ट्रांजैक्शन हुआ है। एंटर प्रेस करें। यहाँ क्रेडिट में हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ अमाउंट टाइप कर दें। अब एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही बैंक अलोकेशंस विंडो आएगी। स्पेस बार प्रेस करें, ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करें और फिर पूछी गई जानकारी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दें। हम वापस कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर DR यानी डेबिट दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। यहाँ डेबिट में हमें कैश अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। एंटर प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही हमने जो राशि क्रेडिट में लिखी थी वही राशि डेबिट में भी आ गई है। एंटर प्रेस करें। अब यहाँ ट्रांजैक्शन का संक्षिप्त विवरण यानी नरेशन टाइप कर दें। अब एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए अब शॉर्ट में एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। 1 जून 2020 को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक नंबर 123322 डेटेड 1 जून 2020 से ₹5,000 बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर किए। यहाँ आप देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये दोनों ही खाते बैंक के हैं जो कि पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता क्रेडिट होगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का खाता डेबिट होगा। आइए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। F2 की प्रेस करके तारीख 1 जून कर दें। क्रेडिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करें, अमाउंट डालें, बैंक अलोकेशंस में स्पेस बार प्रेस करके ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करें, इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर डालें, इंस्ट्रूमेंट डेट में वाउचर की तारीख आ रही है और यही तारीख हमारे चेक की भी है। आगे बढ़ें, डेबिट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यहाँ फिर से बैंक अलोकेशंस विंडो आएगी जिसमें हमने पहले जो डिटेल्स दी थी वो बाय डिफॉल्ट आ रही है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पर हमें उस बैंक का नाम टाइप करना होगा जिस बैंक का ये चेक है। नाम टाइप करना हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नीचे नरेशन टाइप करें और इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर के बारे में बताया था और इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताया। संभवतः आपने इन तीनों वाउचर्स में एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया होगा कि इन सभी वाउचर्स का संबंध कैश और बैंक से होता है। इसके बाद वाली वीडियोस में हम क्रमशः स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट्स ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम्स के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के पहले इन्हें समझना क्यों जरूरी है। अभी हमने कॉन्ट्रा वाउचर में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उन्हें हम डे बुक में कैसे देख सकते हैं और इन ट्रांजैक्शंस में हमने जो लेजर उपयोग किए हैं उन पर इन ट्रांजैक्शंस का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम आपको सभी वाउचर्स को समझाने के बाद समझाएंगे।